एक बार की बात है, परम पूज्य रामसुख दास जी महाराज जब गीता आश्रम ऋषिकेश में थे, किसी ने पूछा कि मोक्ष मिलने की विधि क्या है, कैसे मोक्ष मिल सकता है, क्या कोई गुरु मोक्ष दिला सकते हैं, क्या कोई धर्म ग्रंथ मोक्ष दिला सकते हैं, क्या कोई तप तपस्या या कुछ खास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि मोक्ष दिलाने के लिए किसी गुरु और किसी की कृपा की कोई जरूरत नहीं है, मोक्ष तो तभी मिलता है जब आप अपने भौतिक, अपने दैवीय और शारीरिक तीनों दुखों से मुक्ति पाएं और दूसरों के भी शारीरिक, भौतिक और दैवीय दुखों से मुक्ति दिलाने की कोशिश करें। तो जैसे ही जो इंसान तीनों दुखों से खुद मुक्ति पाने की कोशिश करता है और दूसरों को भी मुक्ति दिलाने की कोशिश करता है, वैसे ही वो पात्रता उसके अंदर विकसित होने लगती है मोक्ष प्राप्त करने की।